जामनेर नगर परिषद सार्वत्रिक निवडणूक 2018 कोण मारणार बाजी जेबीएन महाराष्ट्र न्यूज वर दररोज बघा प्रचाराची रणधुमाळी आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी कोण करणार शहरवासियांना राजी कोण मारणार निवडणुकीत बाजी जेबीएन महाराष्ट्र न्यूज वर बघा रोज कोण मारणार बाजी जेबीएन महाराष्ट्र न्यूज वर बघा निवडणुकीची बातमी ताजी कोण मारणार नगर परिषदेत बाजी कोण होणार लोकनियुक्त नगर अध्यक्ष कोण कोण होणार नगर सेवक जेबीएन महाराष्ट्र न्यूज वर दररोज बघा प्रचाराची रणधुमाळी ओहूरचे माजी सरपंच आदरणीय प्रदीप रोळांना विनंती करतो यांनी सभेला संबोधित करावं. आने वाले 6 एप्रिल 2018 को जामनेर नगर परिषद के होने वाले चुनाव के लिए नगराध्यक्ष के उम्मीदवार सो अंजलि उत्तम बोवा उनके साथ में खड़े हुए अपने राष्ट्रवादी कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 22 उम्मीदवार दो उम्मीदवार कोर्ट में अरुण भाई दो उम्मीदवार कोर्ट में हमारे इस प्रचार के लिए अपने में आए हुए महाराष्ट्र विधानसभा के माजी अध्यक्ष आदरणीय अरुण भाई आदरणीय रविंद्र भैया आदरणीय गप्पार भाई आदरणीय माजी आमदार सोनोने साहब अपने सबके नेते आदरणीय संजय दादा पारस भाई इन्नूस भाई अपने राष्ट्रवादी के अध्यक्ष कार्याध्यक्ष अपने राष्ट्रवादी के विधानसभा क्षेत्र प्रमुख जो अपने मंच पर उपस्थित सभी उम्मीदवार सामने बैठे हुए मेरे सभी भाई बहनों माता और भगिना जामनेर नगर परिषद के बारे में सिर्फ मैं 5 मिनट में बोलने वाला हूं क्यों तो बोलने वाले मैं तो हरदम कल भी 4 जगह बोला अपने को सुनना है अरुण भाई गुजराती रविंद्र भैया साहब अपने गप्पार भाई संजू दादा को अपने पहले पारस भूक के विचार अपने सामने रखे उन्होंने अपने जीवन क्रम बताया अपने आघाड़ी शासन में सत्ता का उपयोग नहीं लिया सत्ता का उपयोग लेना चाहिए ये 2.5 साल में सीखने को मिला सत्ता होने के बाद प्रशासन साथ में रखना चाहिए सत्ता में जो माल मलिदा है उसको खर्चा करना चाहिए ये तुमने सीखा नहीं तुमने माल मलिदा गोला करा नहीं उसको हमारे गिरीश भाई का दोष है क्या 15 दिन पहले अरुण भाई पौर ग्राम पंचायत की निवडणूक हुई 25 साल से मैं वो ग्राम पंचायत का सरपंच था 17 की बॉडी है हमारे यहां लोकनियुक्त सरपंच और लोकनियुक्त नगर अध्यक्ष है भाजपा सरकार ने इसके पहले भी युति शासन में लाया था इसके लिए लाया था कि ऊपर के सीट को देखो नीचे का कुछ भी हो ऊपर के सब अधिकार सरपंच को और लोकनियुक्त नगर अध्यक्ष को इसके लिए उसके लिए खर्चा करना या उसके लिए कुछ भी करना इसके लिए वो 4.5 साल के युति शासन में भी यही कायदा हुआ था अपने आघाड़ी शासन आया वो कायदा रद्द हुआ अभी वापस वो कायदा हुआ एक हमारे वार्ड सब पे एक मुलाकात आई थी जब ये लोकनियुक्त सरपंच का विधानसभा में कायदा पारित हुआ था वार्ड सब पे ऐसा बताया गया था क्या खीर टोपली में खीर है और सरपंच बोखिया है वो बोखिया खीर खा रहा है और मेंबर गम्मत देख रहा है मेरे को व्हाट्सएप आया एक मेरे लोग ग्राम पंचायत सदस्य का मैंने उसको सुनाया भाई मैं ऐसा कुछ सरपंच हूंगा नहीं क्या जो अकेला खीर खाऊंगा मैंने जिंदगी में खीर खाया नहीं 25 साल में 2.5 साल पारा सेठ नगर अध्यक्ष रहे 25 साल में सरपंच रहा हमारे पे 1 रुपए का भ्रष्टाचार का अर्ज विरोधी पक्ष ने पारा सेठ पे भी नहीं कहा और मेरे पे भी किया नहीं
गरीबों के लिए लड़ने वाले जावेद भाई, ये पूरा समाज तुम्हारे पीछे है, तुम्हारे घरकुल वाले तुम्हारे पीछे है। अरुण भाई, ये घरकुल के काम पूरे होने को होना, अपने माजी नगर अध्यक्ष लोकनियुक्त राजू बाबू बोहरा, इनके काल में अपना सरकार था जब ये घरकुल मंजूर हुए थे, अभी तक वो घरकुल पूरे हुए नहीं। अपने भाई कैबिनेट मंत्री है, वैद्यकीय खाता उनके पास है, जल संपदा खाता उनके पास है, हमारे तहसील में अरुण भाई एक भी डॉक्टर नहीं, कोई मेडिकल गवर्नमेंट दवाखाने में एक भी डॉक्टर नहीं, सिर्फ हमारे पौर गांव में कंपाउंडर बैठता, पेशेंट आया क्या बोलता जलगांव को जा, झगड़ा हुआ क्या पुलिस स्टेशन का मेमो मिलता, या एक डॉक्टर कैसा वैसा है, एक तो जामने रहते नहीं तो जलगांव में जाते। जलगांव को जाने के बाद वहां के पुलिस स्टेशन में जिला पेड हो या MIDC का पुलिस स्टेशन हो, वहां उनके अधिकारी रहते, उनका कभी आदमी रहे तो झूठा जवाब देते। हमारा उप सरपंच का पहलवान बैठा या 3 महीने पहले ये झूठे जवान पर 12 लोगों के घर में के 307 395 12 लोगों के घर, 4 भाई है उनके, चारों भाई के 3-3 बच्चे, 12 लोगों पे हाफ मर्डर और 395 झूठा गुना। 1.5 महीना लड़ाई करे हमने, जिसने गुनाह दाखिल करा था संजू दादा हमारे साथ में, 4 दफे SP दरबाए, उसी दिन गुनाह नोंद हुआ, उसी दिन SP साहब का पौर को कार्यक्रम था, मैंने SP साहब के कान पे ये मसला डाला कि ऐसा अभी चल रहा है, जो विरोध में चलेगा उस पे झूठे गुने, हाफ मर्डर या रॉबरी, मंजे उसके गले में चेन हो मत हो चेन निकाल ली। ये 2.5 साल में खेड़े खेड़े में भाई इतने गुने दाखिल हो रहे, क्या इतने लोग अपने साथ में कैसे हैं, ये हमको ताजुब लगता। अपने यहां 15 ग्राम पंचायत की निवडणूक हुई पहले, उसमें से 8 सरपंच अपने आए, बलजबरी बोल के माल पहना कि ये हमारे भाजपा के हो गए, फोटो खींच लेना और पेपर में जाहिरात देना। अभी मीडिया दिल्ली को क्या बंबई की हो, जिसकी सत्ता उसके साथ अभी दिख रही, इसके पहले तो मैंने सबके साथ देखा था मीडिया को, लोग सही का तीसरा आंख है, मीडिया के हमारे बात में ही आते नहीं, कोई पेपर में भी आते नहीं, कोई मीडिया में भी हमारा अच्छा भी हुआ तो एक बात में आ रही नहीं, बहुत अत्याचार अन्याय, इंग्रज परवड़े अरुण भाई, इंग्रज, ये इंग्रज के बाप। मैं तुमको एक हमारे ग्राम पंचायत का मसला सुना के मेरे 2 शब्द खत्म करता हूं। आप विधानसभा के अध्यक्ष रहे, नगर विकास खाता तुम्हारे पास था, 60 साल हो गए ये देश को और स्वतंत्र मिलने के लिए, नगर पालिका और ग्राम पंचायत में घर पट्टी वसूली के लिए प्रोसीजर है, बिल देना, एक तो नल कट करना और वसूली करना। जलगांव जिला परिषद ने ऐसा डराव करा, क्या ग्राम पंचायत और नगर पालिका में जो थक बाकी की यादी है हमको 8 दिन में वहां कोर्ट में भेजना है, और कोर्ट की नोटिस हर एक थक बाकीदार को आने वाली है, क्या 15 दिन में तुम थक बाकी भरो, नहीं तो तुम्हारे संपत्ति पे टांस लगाएंगे। इंग्रज ने भी करा नहीं अरुण भाई, ये इंग्रज के आगे के, हमने आज ग्राम सभा लिया और ग्राम सभा में ठराव किया कि तो जिले का पास कलेक्टर होता है, और कलेक्टर को निवेदन दिया कि जामनेर तहसील में 50 पैसे के अंदर आने वाली है, क्या दुष्काल ग्रस्त परिस्थिति है, तुमने कोर्ट की नोटिस दिया तो हमारे खेड़े में के गरीब लोगों पे विपरीत परिणाम हो सकता है, इसके लिए वसूली करो, वसूली करने के हम विरुद्ध नहीं है, मगर सख्ती करो मत, ऐसा ग्राम सभा का आज ही डराव लिया और जिला अधिकारी को भेजा। अरुण भाई, पारा सेठ के जन्म देने वाले उनके पिताजी झुमर लाल जी लालवानी थे, पारा सेठ को राजकारण में सही जन्म देने वाले मनोहर सेठ धारीवाल थे, सब गांव को मालूम है। गिरीश महाजन को जन्म देने वाले उनके पिताजी मास्टर थे,
राजकारण में जन्म देने वाले मनोहर सेठ धारीवाल थे। मनोहर सेठ धारीवाल ने उनको सरपंच बनाया। आमदार बनाने वाले जो सात आठ बुड्ढे थे उसमें मनोहर सेठ धारीवाल, मेरे पिताजी मोहन सेठ, नारायण सोनजी, जनार्दन गाड़े, ऐसे आठ दस जुने जानकार थे जो मनोहर सेठ ने सरपंच बना के आमदार बनाया। उसके बच्चे के घर को गिराने के लिए 10 दफे पुलिस और अधिकारी नगर पालिका के गए। म्हणजे जिन्होंने राजकारण में पैदा किया है गिरीश भाई को, उनका घर पढ़ने को यह भाई ने कम किया नहीं। जो मोहन सेठ ने भाई राजकारण में मदद किया उसके बहू को पढ़ने को धुपकाले में गारा गिराया, गारा पैसे का पानी नहीं पड़ता, गारा गिराया गारा हमारे गांव में। तो भी लोगों ने बहुत प्रेम किया, बिना पैसे से आठ लोग हमारे चुन के आए, एक हमारा एक मत से गिरा, तो भी लोग हमारे साथ में ही है। ये जामनेर शहर में 100% परिवर्तन होने वाला है, चाहे कितना भी गारा गिराए, क्या बर्फ क्या लादे गिरे, तो भी ये लोग, उनको मालूम है क्या जो गिरीश महाजन पहली निवडणूक हमारे वर्गनी पे लड़ा, हमने 1,12,000 रुपए वर्गनी दिया है जा, और वो आदमी उसके बहू को गिराने को करोड़ों रुपए खर्चा करता, भगवान के पास न्याय है, अल्लाह अभी साबूत है, ये 100% अपने साथ है, ये जनता अपने साथ है, अंजनी पवार साहब का विजय कोई रोक नहीं सकता, अपने सिर की ताकत ये सब एक बटन में है। मैं सबको विनती करता हूँ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो भी उम्मीदवार है, दो उम्मीदवार को एक दिन के लिए वैलिडिटी सर्टिफिकेट सिवाय फार्म मंजूर होने का नहीं। तुमने भी सत्ता करी, सब तरफ 6 महीने का कायदा है कि वैलिडिटी 6 महीने के अंदर देना चाहिए, सिर्फ जामनेर के लिए कायदा महाराष्ट्र शासन में एक दिन के लिए बना, क्या जा हमारे दो उम्मीदवार वैलिडिटी के वजह से घर को बैठे। मगर दावे से बोलता हूं, पारा सेट पे कितने गुने हुए, सब में कोर्ट में स्टे मिला, खुदा अल्लाह अपने साथ में है। ये दोनों कोर्ट में 100% इनको स्टे मिलेगा और अपने दोनों लोगों का वापस इलेक्शन होने के बाद भी निवडणूक होगी। मैं दावे से बोलता हूं कि तुम बिल्कुल अन्याय के विरुद्ध लड़ो और अपना मत राष्ट्रवादी कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के घड़ियाल और पंजे पे दो। यही बोल के मेरे दो शब्द समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय राष्ट्रवादी, जय भारतीय कांग्रेस।